हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल नैन फैमिली व्लॉग्स। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी गुलाबठी जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट और जा रही है साथ में अंजलि मुझे, क्योंकि उसका एडमिशन होना है तो इसलिए उसके साथ में जा रही हूँ मैं। और यहाँ पर खाना पीना सारा कर लिया है, चलिए लेकर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आज हमने भी कहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर कॉलेज। तो अभी तो फ़िलहाल ये बंद हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये ग्राउंड में भी काफ़ी घास हुई है, वरना पहले काफ़ी अच्छा रहता था। और यहीं से हम सारे बहन भाइयों ने पढ़ाई की है, और अभी लास्ट में ये अंजलि की भी यहीं से हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम यहाँ से पढ़ाई करके गए हैं। वाकई में मैं आज आई हूँ काफ़ी टाइम में। तो फ्रेंड्स, हम कॉलेज में पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और अंजलि है इधर, हाय फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा इधर, तो तब तक वेट करते हैं। कॉलेज टाइम भी कितना अच्छा होता है, सारी फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, टाइम कैसे निकल जाता पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पर अंजलि अपना फॉर्म भर रही है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी कर रही है। और यहाँ पर बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं डांस, क्योंकि शाम को आरती चला दे तो फिर गाने भी चला दे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती, मैं चाहकर भी वीडियो एडिटिंग में नहीं काट पाई, क्योंकि इनका डांस वाकई अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर पापा आ गए थे, ये केले जो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे, तो ये जो लटक रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बेकार हों, तो इनको पापा ने तोड़ दिया है कि इनकी सब्जी वगैरह बना लेना, तो कम से कम ये यूज हो जाएंगे, वरना यहाँ तो सारे बेकार हो रहे थे। और ये बड़े भी मतलब कि बड़े भी नहीं हो रहे थे, तो पापा ने इसको काट दिया। और इसमें छिपकली थी और चूहे हैं, उन्होंने अपना घर बना रखा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा इसमें से कचरा भी निकलेगा, जो चूहे ने लेके लेके जा रखे हैं, उनका अपना घर बना रखा है। तो फिर उनमें से जो सही सही है उनको निकाल लेंगे और सब्जी के काम आ जाएंगे ये, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे थे, छोटों का क्या होगा, ये पक भी नहीं पा रहे, वरना साथ के साथ जो पक रहे थे तो साथ के साथ खा भी रहे थे इसमें से। और अभी एक पेड़ पर ये भी लगे हुए हैं, और ये थोड़ा बोझ की तरफ से नीचे हो रहा है, तो इसमें भी एक डंडा लगाएंगे जिससे कि सीधा रहेगा पेड़। और उसके बाद में पापा निकाल रहे हैं यहाँ पर नारियल, क्योंकि मेरी सिस्टर का मन कर रहा था नारियल खाने का, तो फिर ये लेके आए थे पापा, और अब इसको निकाल रहे हैं इसमें से, ये काफ़ी हार्ड निकलता है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी, और आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं अप्पे और उत्पम दोनों एक साथ। तो यहाँ पर सूजी ली है, उसमें डाल दिए दही, और उसके बाद डाल दिए नमक और थोड़ा धनिया पाउडर, और उसके बाद फिर मैंने डाला था पानी, क्योंकि दही इतना नहीं था, आधा ही दही डाला था मैंने और बाकी का पानी। तो अब इसको मिक्स करके इसको रख दिया है 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। और यहाँ पर सूजी फूलने के बाद थोड़ी टाइट हो जाती है, तो ये पेस्ट मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, और इसको अब चला कर देख लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सारी सब्जियाँ, मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये इसमें डाले हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद पता चलेगा कि पानी इसमें अभी और डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि भैया एक बार पतला हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, गाढ़ा हुआ तो हम इसे पतला भी कर सकते हैं और पानी डालकर। तो यहाँ पर ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है जैसा कि चाहिए, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब डाल दूँगी मैं इसमें सोडा, क्योंकि सोडा ज़रूरी है अप्पे फुलाने के लिए,
उत्पम तो फिर भी बन जाते हैं बिना उसके, तो अप्पो में तो ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फूलेंगे नहीं तो फिर कच्चे कच्चे लगेंगे और जाली पड़ना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बस। उसके बाद मैंने रख दिया पेस्टेंड और ये तवा, नॉन स्टिक तवा, क्योंकि वैसे तवे पर बनाते हो तो चिपक जाते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं गैस थोड़ी कम कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है ये। वो इसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर करके मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से, और काफ़ी अच्छे लगते हैं और बन भी जल्दी जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनमें। वो मैंने इसमें पहले, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऑयल लगाओ, पर मैंने लगा लिया है क्योंकि नॉन स्टिक हो है तो इसमें चिपकने का तो कोई वैसा डर है ही नहीं, क्योंकि वैसा होता है तो उसमें चिपक भी जाता है, पर नॉन स्टिक में तो ऐसा कोई डर भी नहीं होता। तो इसमें सारे ये वेजिटेबल डालने के बाद तो टेस्ट अच्छा आता है, और मैंने तो ये सिंपल बनाया, इसमें राई का तड़का भी लग जाता है, फिर कभी बनाऊंगी तो तब राई का तड़का लगाऊंगी। दोनों तरीके से बना लेती हूँ, कभी तो तड़का लगा भी देती हूँ कभी नहीं, तो आज भी मैंने बिना तड़के के लगाए, और ऊपर से भी मैं थोड़ा थोड़ा तेल इसमें टपका दूंगी जिससे कि और अच्छे से, मतलब ये कि डालने के बाद थोड़ी अच्छे से बन जाते, सिकने के बाद एक अच्छा सा कलर आ जाता है ऑयल डालने के बाद। तो अब इसको मैं यहाँ पर लीड लगाकर कम उसको कवर कर दूंगी, और यहाँ पर मैंने तवे पे भी अब ऑयल लगा लूँगी उसमें बनाने के लिए। और तवा हो रहा था यहाँ पर ज़्यादा गर्म, तो मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि एकदम डालने के बाद इस पर जल जाएंगे, वो सिकेगा नहीं, जल जाएगा, तो इसकी वजह से गैस को मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि फिर उसके बाद अभी मैं डालने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं फिर से गैस ऑन कर दूंगी, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बन जाएगा। मैंने कईयों से शिकायत सुनी है कि हमारे तो उत्पम टूट जाते हैं, अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इसको अच्छे से सिकने दें। जब सिक जाएगा तो ऊपर ये कलर चेंज होता है इसका, जब अगर आप कच्चे को पलटेंगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा, सिक जाएगा तो फिर वो नहीं टूटता है, काफ़ी अच्छे से पलट जाता है। बीच बीच में ये अप्पे भी चेक करती रहूँगी, क्योंकि ये ज़्यादातर सबसे पहले तो बीच के जो रहते हैं वो ही सिकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस की आँच थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए साइड में थोड़ा कम लग पाती है, तो साइड के अप्पे थोड़ा लेट सिकते हैं। तो मैं यहाँ साथ के साथ जो बन जाएंगे उनको निकाल दूंगी, और जो बाकी है उनको पलट कर इसमें दोबारा से अलट पलट करती रहूँगी, और जो जो खाली होंगे जिसमें से मैंने निकाल लिए हैं उनमें, और मैं साथ के साथ डालती रहूँगी जिससे कि काम चालू रहेगा बरकरार। तो इधर मैंने उत्पम को भी पलट दिया है, और कलर देखिए काफ़ी अच्छा, और बिल्कुल भी टूटा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा बनता है। और बच्चे तो इनको, इनका अप्पो का साइज देखकर ही भी ऐसे सोचते हैं कि ये गोलगप्पे हैं। बीबी वान तो यही बोलता है कि मम्मा मुझे गोलगप्पे दे दो, अप्पे और गोलगप्पे थोड़े सेम से लगते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर खुश होकर खा लेते हैं बच्चे, और इसके सहारे इनके बच्चे थोड़ा वेजिटेबल भी खा लेते हैं, वरना कहाँ खा कर देते हैं, आजकल के बच्चों के नखरे बहुत होते हैं। तो यहाँ पर उत्पम भी देखिए काफ़ी अच्छा बन गया है, तो मैं अब ऐसे ही सारे उतार लूँगी। तो दूसरा भी बैटर मैंने ऐसे ही फैला दिया है, ये अपने ऊपर होता है कि आप कितना बड़ा कितना छोटा बना लो, जितने में आसानी से आप उलट पलट कर सको उतना ही बनाना चाहिए, पता चले ज़्यादा बड़ा बनने पर आप पलट भी ना पाओ वो टूट जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसको ऐसे कवर करना ज़रूरी होता है जिससे कि और अच्छे से वो सीख जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर से जो मैंने इसमें डाले हुए हैं उनको मैं फिर से उलट पलट कर दूंगी जिससे कि दोनों तरफ से आसानी से सीख जाएंगे। बस इसमें यही है कि जब आप कभी भी बनाओ अप्पे बनाओ या उत्पम, तो सूजी को थोड़ा रख देना जिससे कि वो फूल जाएगी तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेंगे। कैसे लगे हार्दिक बेटा, कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे लगे। क्या क्या खा रहे हो आप, क्या क्या खा रहे हो आज? अच्छा, अच्छे लगे। और क्या क्या बच गया अभी खाने के लिए, और क्या क्या बनवाना है, क्या क्या बनवाना है और अभी? वो बना दूंगी अब।
सुबह बच गया। तो फ्रेंड्स सबका ब्रेकफास्ट हो गया है और ये है मेरी प्लेट, आप भी खा लीजिए। बच्चे वाकई में खुश हो गए, बिल्कुल खुश हो गए हैं बच्चे। तो चलिए हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपसे बाद में।